क्या आपका बच्चा बोलने में अटकता है, इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, के मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुख्य महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे बच्चों को बोलने में अटकने की बीमारी होती है, उसको स्टैमरिंग बोलते हैं, स्टटरिंग बोलते हैं। उनको शुरू में कुछ साल तक ठीक रहते हो, मतलब अच्छा चलता है बोलना भिलना, एकदम कोई अटकना वगैरह कुछ नहीं रहता है, और बाद में कुछ तो भी ऐसा हो जाता है कि उसके बाद में उनको अटकना चालू हो जाता है। यह सेकेंडरी स्टैमरिंग। और कुछ प्राइमरी स्टैमरिंग है कि पहले से ही जब से उन्होंने बोलना चालू किया तब से वो अटक रहे हैं, तभी उसका इलाज कैसे करें। क्या है कि ये जो स्टैमरिंग है, स्टटरिंग है या अटकना है, इसका मेन कारण जो है वो एंग्जाइटी न्यूरोसिस है। एंग्जाइटी, घबराहट, चिंता, और उसके वजह से ये अटकते हैं बच्चे। ये बच्चों की एक खासियत होती है, यदि वो अकेले में है, कमरे में अकेले है, तो बिल्कुल अटकेंगे नहीं। यदि उनको गाना गाने के लिए बोला तो बिल्कुल अटकेंगे नहीं। उनको बोला जन गण मन ऐसा बोलो तो वो अटकेंगे नहीं। मगर किसके सामने उसको बोला कि नाम बोलो तो एकदम तत तत तत, या रावण गा, मतलब ऐसा र त मंजिल, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा जो है, ये पूरे मसल्स स्पाज़म में जाते हैं, अटक जाते हैं, ऐसे कड़क हो जाते हैं, उसकी मूवमेंट होती नहीं है। और मूवमेंट जैसा ऑयल कम पड़ा तो चक्का जैसा जाम हो जाता है, तो ऐसा है पूरा चक्का जाम हो जाता है टेंशन के कारण, मूवमेंट नहीं होती फ्रीली, और फिर शब्द बाहर निकलता नहीं है। मेनली ये समझो कोई बड़ा व्यक्ति है उनके सामने ये होता है, अधिकारी उनके सामने होता है, या काफ़ी सारे लोगों के सामने जब बोलना होता है तब होता है। ये बच्चे क्लास में जवाब देते नहीं है या दे सकते नहीं है क्योंकि वो अटक जाते हैं, फिर उनके टीचर्स भी उनको पूछते नहीं है। अटक गए तो फिर बहुत सारे लड़के उनको हंसते हैं, तो हंसने के फिर फिक्र से या डर से कि भाई मजाक उड़ाएंगे लोग, हंसेंगे, इसलिए ये बातें करते नहीं है, बातें नहीं करते, फिर और डाउन होता है कॉन्फिडेंस, तो ये पूरा कॉन्फिडेंस उसका निकल जाता है, सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, और धीरे धीरे ये बच्चे परफॉर्मेंस में एकदम डाउन हो जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं है, और उनका जीवन जो है बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। अब इसके लिए क्या करें? एक तो क्या है, इनका कॉन्फिडेंस कहीं तो भी उन्होंने गंवा के रखा हुआ है, क्योंकि तो पहला अच्छा था बोलने वाला, और कुछ तो भी हुआ बचपन में, और कुछ तो भी हुआ, और उसका थ्रेट, उसका धौंस, उसका डर बैठ गया, और वहां से उसने अटकना चालू कर दिया। तो वो हो सकता है, अभी कौन सी ऐसी घटना हो सकती है, हो सकता है कि उसको उसके पिताजी ने बहुत ठोका एक दिन, बहुत मारा, और तब से उनका अटकना चालू हो गया। हो सकता है कि दूसरे गांव में बदली हो गई, ट्रांसफर हो गए, नए गांव में गए, नए लोग, नया स्कूल, और फिर वहां जाने के बाद में एकदम डर बैठ गया और वहां से अटकना चालू हो गया। हो सकता है कि इसकी मृत्यु हो गई, हो सकता है कि वो फेल हो गया, घर में मार्कलिस्ट लेके आया और पिताजी ने और बाकी लोगों ने बहुत उसको झाप दिया, बहुत चिल्लाया, चीख, और बाद में उसका अटकना चालू, मतलब कुछ तो भी ऐसी घटना हो जाती है कि जहां से एकदम सबकॉन्शियस माइंड में डर बैठ जाता है, कॉन्फिडेंस लूज जाता है, और फिर वो अटकना चालू कर देता है। तब इसके लिए इलाज क्या है, इसके लिए मैं काफ़ी सारे अलग अलग बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी वो बताते रहता हूँ। एक तो बिहेवियर थेरेपी यह है कि मैं उनको बोलता हूँ कि आप ऐसा करो, अखबार लो, पढ़ो, अखबार बंद करो, और घर के लोगों को सामने बिठाओ, और उनके सामने बैठ के आराम आराम से जो पढ़ा है वो बोलो, नंबर एक। नंबर दो, कुछ तो भी बोलो, समझो आपके मदर फादर या जो भी कोई घर के लोग हैं उनको सामने बिठाओ, और उनके सामने एकदम आराम आराम से पढ़ के बोलो, पढ़ के, और उस समय टेबल पे टक 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 टक, और जब टक करते हैं तो शब्द बोलना, टक करते हैं तो शब्द बोलना, टक करते हैं तो शब्द बोलना, इतना आराम आराम से बोलने का है, तो ऐसे आराम से बोलने की प्रैक्टिस करो। फिर तीसरा मैं बोलता हूँ कि आप जितना डरोगे उतना ज़्यादा हो रहा है, तो डरो मत, बोलने से थोड़ी डर जाता है। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आप आपके टीचर को बोल दो, अनाउंस कर दो क्लास में कि ये लड़का जो है वो अटकता है, इसको बहुत डर लगता है, इसको अपने को अच्छा करने का है, ऐसा सबको अनाउंस कर दो, सबका कॉन्फिडेंस ले लो, सबका सपोर्ट ले लो, और वहाँ से फिर बोलो अटक गए, तभी वो सब लोग सपोर्ट करेंगे, टीचर सपोर्ट करेंगे, और धीरे 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 आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट मैं बोलता हूँ कि आप कहीं भी चले जाओ, जैसे रेलवे स्टेशन पर जाते हो, बस स्टैंड पर जाते हो, बाजार में जाते हो, और वहाँ जाके कुछ ना कुछ उनको चीज़ें मांगो, मतलब नया आदमी रहता है, बड़ा आदमी रहता है, और उसको आपने कुछ तो भी बोलना है और मांगना है, वो मतलब हंसा तो हंस गया, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं हंसा, तो उसकी चिंता मत करो। तो नेक्स्ट मैं बोलता हूँ कि आप ऐसा करो, आप पढ़ो, कुछ भी ज्ञान लो, नॉलेज लो, एक भाषण तैयार करो,
और गांव में जाओ, खेड़े पाड़े में जाओ, जहाँ बहुत लोग हैं उनको मालूम नहीं है, और उनके सामने जाके भाषण दो। और वहाँ अटक भी गए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग बेचारे गरीब है, उनको मालूम नहीं है और अज्ञानी है, उनको आप कुछ भी भाषण करेंगे, समझो शराब मुक्ति के ऊपर भाषण आप कर रहे हैं या कुछ भी आप भाषण कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लगेगा और उनके सामने आपको ऐसा कोई कॉन्फिडेंस लॉस ऐसा लगेगा नहीं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और वो अनपढ़ है, तो आप कॉन्फिडेंस से बात करोगे। एक बार कॉन्फिडेंस से बात चालू हो गई, धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। फिर नेक्स्ट मैं बोलता हूँ कि आप सेल्फ हिप्नोसिस करो, और सेल्फ हिप्नोसिस करके ऐसी कल्पना करो कि आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, पूरा बदन रिलैक्स है, एकदम रिलैक्स, और विजुअलाइज करो, कल्पना करो कि आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, लोगों के सामने भाषण कर रहे हैं, बड़ा आदमी है, अथॉरिटी है, और उनके सामने आप शांति से एक एक लफ्ज बोल रहे हो और भाषण कर रहे हैं। तो क्या होगा, ब्रेन को आप एक तरह से चीटिंग कर रहे हैं। ब्रेन को यह मालूम नहीं है कि आप इमेजिनेशन में लोगों के सामने भाषण कर रहे हैं कि एक्चुअल भाषण कर रहे हैं, ये ब्रेन को नहीं समझता। फिर आप क्या करें, ब्रेन को ये बार 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 बता रहे विजुअलाइजेशन में कि मैं लोगों के सामने भाषण कर रहा हूं और एकदम रिलैक्स हूं। तो बॉडी को प्रैक्टिस हो रही है रिलैक्स होने की, ब्रेन को ऐसा दिख रहा है कि अपन लोगों के सामने बात कर रहे हैं, और एक्चुअली आपको मालूम है कि अपन अकेले हैं। देखो, आपको खुद को मालूम है कि अपन अकेले हैं, ब्रेन को लग रहा है कि अपन लोगों के सामने है और बॉडी एकदम रिलैक्स है। तो ये तीनों जो है, ब्रेन, बॉडी और आपका मन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसा मिल जाता है, कोऑर्डिनेशन हो जाता है, और वहां से फिर आपको धीरे 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 प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो एक तो क्या है कि एक्चुअली प्रैक्टिस करो, लोगों को हंसने दो। मैं लोगों को ये बोलता हूँ, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं कि आज लोग हंस रहे, हंसने दो, चिंता मत करो, कल आप अच्छा भाषण करना चालू करेंगे लोग रोएंगे, तो आज लोगों को हंसने दो। तो एक्चुअली जाओ पब्लिक में और भाषण करो, कितना भी कुछ भी लोग बोलते हैं तभी। और दूसरा, अकेले में बैठ के करो, और तीसरी, अपने घर वालों के साथ में बैठ के प्रैक्टिस करो। तो हिप्नोथेरेपी विज विजुअलाइजेशन, एक्चुअली प्रैक्टिसिंग, घर के लोगों के साथ में प्रैक्टिस करना है, ऑन द कोर्ट प्रैक्टिस करना है, ये सब करेंगे तो ये बीमारी अच्छी हो जाती है। अब इसके साथ साथ मैं उनको देता हूँ एंग्जियोलाइटिक्स, मतलब एंग्जाइटी कम करने की दवाइयाँ। तो क्या होता है कि जब बाहर जाना है, किसके साथ में मिलना है, कोई अथॉरिटी फिगर है उसके साथ में मिलना है, तो होता क्या है, धक 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 पहले से होना चालू हो जाता है, हाथ कांपना शुरू हो जाता है, बॉडी कांपनी शुरू हो जाती है, डर लगता है, ऐसा घबराहट होती है, और फिर उससे फिर और मुंह से शब्द निकलता नहीं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है, वहां जाने के पहले आप ऐसा करो, या दो गोली खा लो, जबान के नीचे रखो, सॉलो कर लो आधा घंटा पौन घंटा पहले, और एक गोली देता हूँ दूसरी की, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अच्छा लगता है, फील गुड लगता है, वो भी गोली ले लो। मतलब क्या है कि इधर दिमाग को एकदम फील गुड लग रहा है, ये धड़कन कांपना घबराहट ये कम हो जाएंगी, और जाके बात करो। तो आपने जो प्रैक्टिस किया है सम्मोहन की अवस्था में, वो एक्चुअली कोर्ट पे जाके प्रैक्टिस करोगे, अपन रिलैक्स और आराम से बात कर रहे हैं। तो ये ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, सब मैंने जो नुस्खे बताया वो हिसाब से, तो 4-6 महीने में आदमी अच्छा बोलना चालू कर देता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है और वो अपना जीवन अच्छा जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।